मॉर्निंग, माय नेम इज मृदुल नायडू और मैं आपको भी बताऊंगा कि सेकंड डे फर्स्ट स्लॉट आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के पेपर कैसे रहे। इंग्लिश रीजनिंग और कॉन्ट्स, मैंने जो अटेम्प्ट किया वो इंग्लिश रीजनिंग कॉन्ट्स इस सीक्वेंस में किया। फर्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर टफ है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। इंग्लिश पेपर टफ आया, 10 उसमें एरर थे नए पैटर्न के हिसाब से, 10 एरर, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 आरसी। 10 एरर इजी हैं, 10 एरर टफ हैं, लेकिन अगर आपको ग्रामर आता है तो वो आपके लिए काफी इजी होगा। लेकिन अगर ग्रामर नहीं आता तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी बचे 10 आरसी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। 10 फिल इन द ब्लैंक्स में से 6 to 7 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और जहां तक की बात रही आपके आरसी की, आरसी में भी आप 5 to 6 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आरसी के आपको सिनोनिम्स एंड टिम्स के मिलेंगे और बाकी बचे 7 क्वेश्चन से 7 to 6 क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। कई क्वेश्चन डायरेक्ट भी हैं, जैसे कि ऑथर इसे पैसेज से क्या समझाना चाह रहे हैं, आप उसके फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ के आप ये चीज समझ सकते हो कि ऑथर इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, और ऑप्शंस भी आप इजीली आप अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट टू रीजनिंग, रीजनिंग का पेपर अगर आप मुझसे पूछा जाए तो रीजनिंग का पेपर टफ है। रीजनिंग में अगर आप माने तो 10 to 12 क्वेश्चन ऑन अप्रोक्स आपको हर प्रकार के, नॉर्मल सिलॉग जो कि 4 क्वेश्चन थे, आप कोडिंग डिकोडिंग जो कि 4 क्वेश्चन थे, ओके, आपको ये जो इजी क्वेश्चन है आपको 4 to 10 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जब आप उसको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में आएंगे, बाकी पूरा पेपर आपको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट मिलेगा। जब आप कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में आएंगे तब एक या दो ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स आपको इजी हैं। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँगा तो फ्लोर वाले क्वेश्चन मैंने और बहुत सारे लोगों ने फ्लोर वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और वो उनको ईजिली बन गए, 5 to 6 मिनट्स में क्वेश्चन बन के आंसर्स ठीक हो चुके थे, वो इतना इजी आपको फ्लोर वाला क्वेश्चन मिलेगा। बट मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप 15 to 16 के बीच में अगर आप रीजनिंग में अटेम्प्ट आप कर लेते हो तो वो बेटर है। आप कम अटेम्प्ट हुए इस चीज़ के लिए डरना नहीं, उतने अटेम्प्ट काफ़ी होंगे, बाकी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। नेक्स्ट टू कॉन्ट्स, कॉन्ट्स का पेपर मेरे लिए माना जाए तो ईजी है। उसमें 10 DI हैं जिनमें से आप एक DI तो पूरा ईजी था, पाँच क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। सेकेंड DI में 5 में से आप 3 क्वेश्चन इजली बना सकते हैं, 2 थोड़े ट्रिकी हैं अगर, लेकिन अगर उसमें आप थोड़ा टाइम तो वो भी बन जाएगा। 5 सिंप्लीफिकेशन एज यूजल, 5 नंबर सीरीज वो भी आपको इजी क्वेश्चन होगा, तो आपको 20 क्वेश्चंस आपके हाथ में सीधे सीधा बच गए। बाकी बचे अगर आप 12 टू 15 क्वेश्चंस जो आपके यूनिट के क्वेश्चंस होते हैं अगर आप माना जाए तो वो क्वेश्चंस टफ है, अगर आप उसको सिलेक्टिवली अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी एक क्वेश्चन को शुरू में ही, यूनिट के क्वेश्चंस को शुरू में ही अटेम्प्ट मत कीजिएगा। सेम गोज टू रीजनिंग, रीजनिंग में भी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट शुरू में अटेम्प्ट नहीं मत कीजिएगा, पहले सारे क्वेश्चंस बना लीजिए जैसे DI, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रीजनिंग में सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग एक्सेट्रा जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट या फिर कॉन्ट्स में रीजनिंग यूनिट के क्वेश्चंस आप बनाइएगा।